अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वीना मलिक है और मैं दुनिया की तवज्जो इस वक्त एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर मबजूल कराना चाहती हूँ। हिंदुस्तान इस वक्त थिंक टैंक्स के जरिए से एक इंतहाई गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट को बहुत ही ज्यादा हाइप्ड करने में मसरूफ है। इस रिपोर्ट का लब लुबाब ये है कि हिंदुस्तान में सिखों की आजादी की जो तहरीक है खालिस्तान, उसके लिए जो रेफरेंडम 2020 कराया जा रहा है, उसके पीछे जो ताकत है वो पाकिस्तान है। जाहिर सी बात है, ये जुमला सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि टेरी मिलोस्की की ये जो रिपोर्ट है, इससे हिंदुस्तान के रवैयों की घिन आती है। यहां पर मैं इस राइटर से ये सवाल करना चाहती हूं कि इस राइटर ने दावा किया है कि खालिस्तान की ये जो तहरीक है रेफरेंडम 2020, ये किसी भी तरह से किसी अहमियत की हामिल नहीं है और ना ही किसी की इसको हिमायत हासिल है। मैं इस राइटर से ये पूछना चाहूंगी कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे, आपने रेफरेंडम 2020 से पहले ये फैसला कैसे कर लिया कि इस तहरीक को किसी भी तरह की अहमियत हासिल नहीं है, और अगर इस तहरीक को कोई भी हिमायत हासिल नहीं है तो मैं पूछना चाहूंगी हिंदुस्तान की हुकूमत से कि आखिर आपने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो है उनकी ये जो तहरीक है रेफरेंडम 2020, इस पर आखिर पाबंदी क्यों आयद कर रखी है। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कैप्टन अमरिंदर से कि 200 से ज्यादा मोर देन 200 सिख कैंपेनर्स जो कि रेफरेंडम 2020 में हिस्सा ले रहे हैं, आपने उन सबको बागी करार दे दिया है, आपने उनको बगावत के मुकदमात उन पर आपने दायर कर दिए हैं, आखिर क्यों। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि पंजाब और हरियाणा के जो काश्तकार हैं, जो अपने लिए एक अलग रियासत का मुतालबा कर रहे हैं, एक अलग स्टेट चाहते हैं जहां से वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सके, तो उन सबके मुतालबात का क्या होगा अगर रेफरेंडम 2020 किसी भी तरह से अहमियत का हामिल नहीं है। यहां पर मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूं कि सिख बहुत ही बहादुर और जरी कौम है। मैं यहां पर दुनिया को यह भी बताना चाहूंगी कि जब हिंदुस्तान की आजादी की जंग लड़ी गई थी, उसमें सिखों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए थे और उन्होंने कुर्बानियां दी थी। तो अब वही सिख जो हैं, वो हिंदुस्तान से अपनी आजादी चाहते हैं। तो जिन सिखों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपना खून बहाया, अपनी जानों के नजराने पेश किए, तो क्या इस वक्त वो दोबारा अपने हकूक की आजादी के लिए क्या पीछे हटेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो अपना हक हासिल कर रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें ज्यादा कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े, चाहे ज्यादा उनका खून क्यों ना बहाया जाए। तो मैं यहां पर दुनिया को यही बताना चाहूंगी कि इस वक्त सिख बरादरी को, हमारे सभी पंजाबी बहन और भाइयों को उनकी जरूरत है, और मैं दुनिया से ये अपील करती हूँ कि हम सबको उनके शाना बशाना इस तहरीक में, खालिस्तान की इस तहरीक रेफरेंडम 2020 में उनका साथ देना चाहिए। और पाकिस्तानी होने के नाते से मैं हर पाकिस्तानी के बिहाफ पर यह कहना चाहूंगी कि हम खालिस्तान की इस तहरीक को सपोर्ट करते हैं और हम रेफरेंडम 2020 को सपोर्ट करते हैं, और इंशाल्लाह ताला, अल्लाह सुभाना ताला के करम से मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द हम अपने नए पड़ोसी खालिस्तान को वेलकम करेंगे। आई एम वीना मलिक एंड आई सपोर्ट रेफरेंडम 2020। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਯੈਸ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਐ ਸਮੇਂ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਯੈਸ ਦੀ ਵੋਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇਅਰ ਲੜਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਰਾਓ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਾਓ ਵੋਟਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਫਰ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ 917-753-3782 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਲਾਈਵ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਪਿਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
बिल्कुल जी तुहाड़ी वीर दी कॉल जिहड़ी आ ड्रॉप हो चुकी है ते असी फिर धरने वाले वीरां दा एक दिखाउने आ साडे नौजवान जिहड़े धरनियां ते जांदे ने उत्थे जा के की करदे ने। आओ एक वीडियो है जी किसे सिंह ने सानू बना के भेजी हुई जी। आ लिखिया जी खालिस्तान जिंदाबाद जे सिख फॉर जस्टिस जे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू अपना गुरु मानदे हो तां रेफरेंडम 2020 दा साथ दिओ। ये नौजवान मैसेज लैके जा रहे जी धरनों के उत्ते किसानों ये फार्म वंडे जा रहे ने जी। नैक्सट वीडियो दिखाओ जी। आ वीडियो जी कोई वीर ये अलग अलग थावां दीआं वीडियो जिहड़ीआं सानू पहुँच रही ने किसानों की माली मदद का पोस्टर अगले ने हत्थां नाल ही तैयार कर दिता। वह कहिंदा जे करतार सिंह सराभा हत्थां दे नाल अखबार छाप के जलंधर तक सैकल ते वंडिया हुंदा सी, लुधियाने च सैकल ते वंड दिंदा सी, लाहौर तक साइकल ते चला जांदा सी, बठिंडे छौणी दे विच जिहड़ी अखबार वह साइकल ते जाके वंडिया हुंदा सी, ते मैं तां फिर पेन दे नाल ही उहने लिख के खालिस्तान जिंदाबाद दे जिहड़े पोस्टर आ तैयार कर लए। जे नहीं कोई छापाखाना लगता तो कहिंदा साडे हाथी इस काबिल ने कि असी अपनी पंजाब की आजादी लिए पोस्टर तैयार कर लीए। सो किसानों की माली मदद लई कॉलिंग सेंटर का नंबर जिहड़ा है पोस्टर के उत्ते तुसी देख सकते हो। सो नौजवानों बड़ा उद्दम है जी, इन्हां नूं ही करतार सिंह सराभा कहा जाता है। कोई असमानों तो नहीं डिगदी शक्ति, कोई डिग जाती हो लगता है क्योंकि देवी प्रगट होनी है, यही देवी दे उपासक ने, यही देवी जिहड़े ने अज पंजाब दी धरती ते ने, यही करतार सिंह सराभे ने, यही साडे निहंग सिंह ने, यही साडे अकाली फूला सिंह ने, जिहड़े पैना दे नाल वी कहिंदे जी लहर नहीं रुकनी चाहीदी, आजादी नहीं रुकनी चाहीदी। जे कोई नहीं छाप के दिंदा, जे कोई नहीं प्रिंट करके दिंदा ते असी पेन दे नाल ही लिख लैणा है। सो पंजाब दे नौजवानों लिख दिओ पंजाब दीआं कंधां दे उत्ते कि असी भारत दे किसान विरोधी कानून दे खिलाफ हाँ। आ देखो सड़कां दे जिहड़े छोटे छोटे बोर्ड्स होंदे ने, साइन होंदे ने ट्रैफिक वाले, उन्हां दे उत्ते आजादी वाले दे साइन लगे हुए ने। नौजवानों ने पेंट दे नाल पुलियां भर दित्तियां ने, पुल भर दित्ते ने, बस स्टैंड भर दिते ने, ते बड़ी तकलीफ है जी। कुछ अज वीडियोज असी रात के खबरदार प्रोग्राम दे विच तुहाडे लई लैके आवांगे। तुसी देख सकते हो जी पुलियां दे उत्ते लगे हुए ये कागज, पर वीरां ने फिर कई वीरां ने सोचा कि कागज जिहड़े ने उह किते मीह कणी आवे तां लै जांदे ने, फिर उन्होंने पक्का प्रबंध भी कर दिता जी। पेंट दे नाल खालिस्तान जिहड़ा लिख दिता सड़कां दे उत्ते भी पक्का काम भी जिहड़ा आ उह कर दिता जावे। तो आओ जी आप काल वीर दी वापस आ उन्हां दे नाल गलबात करदे आ जी। हाँ जी वीर लाइव ते हो जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी तैयारी करदे यार, सत श्री अकाल सा सब नूं। सत श्री अकाल। हाँ जी धरने ते जाईदा ही सुबह शाम, ते हुण फेर चले सी ते बच्चिआं दे वी साडी गल करो उहनां नाल ते की माहौल आ वी दसो तुसीं, अहे दस दिंदे आ अपनी संगत सारी तैयार आ। राह तीजा निकलदा आउंदा सर, ठीक है जी, तीजा तैयारा अपना खालतान नूं इधर नूं निकलदा आउंदा, उत्थे रात नूं गल्लां करदिआं सुणदिआं बंदे बजुर्ग वी आखदे आ वी साडा तां हल फिर कोई हुण रहि नहीं गिआ, इही हल है इक। नरमे नूं अगां लातीआं सुंडी खवाती इन्हां ने, कदी पानी दे नाम मरवाता उह पंडां ही भर देणियां तुसीं। हां जी हां जी पूरी शाबाश, दबी आने काम नूं
ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਚਲੋ ਜਾਉਂਦੇ ਜਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਜਾਂਗੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਬ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਧੜਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਫਿਰ ਖੋਲ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨੈੱਟ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੂਗਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੈ, 100 ਰਾਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਦੱਬ ਕੇ ਸੰਗਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੀ ਰਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਰਿਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਘਰ ਕੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਜੇ ਵਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਆਹੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੋਂ ਹੜ ਪੜ ਇੰਨਾ ਟੈਟ ਆ ਥੋੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਦੇ ਸੀ ਲਾ ਨੀ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਨੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਕੱਟਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚੜਾਈ ਰਹਿ ਜੂ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਆਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੈੱਟ ਨੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੁਕਣੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।